हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म होती है, और सबसे एंड में हम ये जानेंगे कि क्या क्या मेजर्स हैं टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। और इसके बाद हम कुछ सजेशंस के बारे में जानेंगे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। फ्रेंड्स, हमारा पहला टाइप होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टीज होती हैं जो नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं और काम करती हैं। फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, तो चलिए इन कंडीशंस को जानते हैं। पहली कंडीशन है कि जो पार्टी है उसे 5 साल तक नेशनल लेवल पर काम करना होगा, तभी वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। सेकंड कंडीशन ये है कि इलेक्शन में कम से कम 6% वोट्स उस पार्टी के होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि लोकसभा इलेक्शंस में कम से कम 25 सीट्स में से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए, या फिर स्टेट असेंबली इलेक्शंस में हर 30 सीट में से एक सीट उस पार्टी की होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल है तो वो पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल पार्टी को हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी तब कहते हैं जब वो कुछ ही पर्टिकुलर स्टेट्स में काम करती है, वो नेशनल लेवल पे काम नहीं करती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ऐसी पार्टीज बताऊंगी जो केवल स्टेट लेवल पर ही वर्क करती हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, एक पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी जब बनती है जब वो स्टेट लेवल पर काम करती है और कम से कम 3 स्टेट्स में उसके 6% वोट्स हो। आइए फ्रेंड्स, अब हमारे देश के कुछ पॉपुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे देश की एक सबसे पॉपुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम INC भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। फ्रेंड्स, इस पार्टी को हम कॉमनली कांग्रेस के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका रजिस्टर्ड नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। फ्रेंड्स, ये पार्टी इंडिपेंडेंस से भी पहले 1885 में फॉर्म हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में इस पार्टी ने डेमोक्रेटिक, सेकुलर और मॉडर्न गवर्नमेंट फॉर्म की थी। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक इस पार्टी ने रूलिंग पार्टी का रोल निभाया है। फ्रेंड्स, लेकिन 2014 में इस पार्टी को 545 सीट में से ओनली 45 सीट ही मिल पाई थी। फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना और जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस है उनकी डेवलपमेंट पर ध्यान देना। और फ्रेंड्स, ये पार्टी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस पार्टी की जिसे 2014 में सबसे ज्यादा सीट्स यानी कि 240 सीट्स मिली थी और उसके बाद वो एक रूलिंग पार्टी बनी। फ्रेंड्स, हाँ, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP। फ्रेंड्स, ये भी एक नेशनल पार्टी है जो कि 1980 में फॉर्म हुई थी। फ्रेंड्स, ये पार्टी हमेशा से चाहती है कि ये एक मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बनाए। फ्रेंड्स, ये पार्टी हमेशा से हिंदुत्व को सपोर्ट करती है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर इंडिया का पूरा कंट्रोल चाहती है।
फ्रेंड्स, ये जो पार्टी है इसे 2014 में बहुत बड़ा बूस्ट मिला, जिसके वजह से नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में। फ्रेंड्स, बहुजन समाज पार्टी 1984 में फॉर्म हुई थी। फ्रेंड्स, ये पार्टी माइनॉरिटीज, दलित, अदर बैकवर्ड कार्ड्स, ओबीसी, एससीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। फ्रेंड्स, इस पार्टी का मेन बेस है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, 2014 में ये पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में बेस होने के साथ साथ ये पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, दिल्ली में और पंजाब में। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के एग्जांपल के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि एक रीजनल पार्टी है। महाराष्ट्र में शिवसेना, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके बहुत ही फेमस रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस के बारे में। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज का पहला चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉप लीडर्स होते हैं, सिर्फ वो ही पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कर पाते हैं। जितने भी मेजर डिसीजंस होते हैं सिर्फ वो ही लेते हैं, और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज में जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती है वो भी कंडक्ट नहीं की जाती। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो रूल्स है उनको फॉलो नहीं किया जाता। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज का। फ्रेंड्स, सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। फ्रेंड्स, डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज में टॉप पोजीशंस होती है वो एक ही फैमिली के मेंबर्स कंट्रोल करने लगते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में काबिल और मेहनती पर्सन है वो टॉप पोजीशन तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाता है और ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उन फैमिली मेंबर्स के पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं होता। फ्रेंड, थर्ड चैलेंज होता है मनी एंड मसल पावर। फ्रेंड्स, हर पॉलिटिकल पार्टी का ये एम होता है कि वो इलेक्शंस को जीते। इसके लिए वो कभी कभार शॉर्टकट भी यूज करती है। वो उन्हीं पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं जो बहुत ज्यादा फंड्स रेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फोर्थ चैलेंज के बारे में, जो कि है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। फ्रेंड्स, आजकल ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम ही है, इसीलिए हम आइडियोलॉजीज के बेसिस पर अपना कैंडिडेट चूज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं उनके पास कुछ ज्यादा मीनिंगफुल चॉइस नहीं रहती है। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा चुके हैं। पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई भी एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको वो पोजीशन नहीं दी जाएगी, साथ ही उनकी लेजिस्लेचर में जो सीट है वो भी वो लूज कर देंगे। सेकेंड मेजर है एफिडेविट। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में पार्ट लेने से पहले एक एफिडेविट के थ्रू अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने सारे क्रिमिनल केसेस के बारे में सारी डिटेल्स देता है, और कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक भी की जाती है, जिसकी वजह से पब्लिक एक अच्छा डिसीजन ले सके। थर्ड मेजर है कंपल्सरी इंटरनल इलेक्शंस। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स और इंटरनल इलेक्शंस होना जरूरी है।
साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम टैक्स रिटर्न भी चेक करेगा। फ्रेंड्स, आजकल कुछ ऐसी कमिटीज बनाई गई है जो पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स के बारे में सजेशंस देती है, तो चलिए ऐसे कुछ सजेशंस के बारे में जानते हैं। पहला सजेशन है चेक ऑन मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन के टाइम पर मशीनरीज यूज करी जाती है उनको पहले चेक किया जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उनको मिसयूज नहीं कर पाए। सेकंड सजेशन ये है कि इलेक्शन के टाइम पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उन्हें कम कर दिया जाए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ मजे के लिए या जो सीरियस नहीं होते वो इलेक्शंस में खड़े हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, थर्ड सजेशन ये है कि जो वोटर लिस्ट है उसको रिवाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि जो डेड वोटर्स हैं या फिर जो फेक वोटर्स हैं उनको डिलीट किया जा सके और जो नए कैपेबल वोटर्स हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। फ्रेंड्स, फोर्थ सजेशन ये है कि इलेक्शंस में वोटिंग कंपलसरी कर दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो वोट देने नहीं जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर सारे लोग वोट करेंगे तो इलेक्शंस का रिजल्ट बहुत ही ट्रू और फेयर निकलेगा, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, फिफ्थ सजेशन ये है कि कुछ नंबर ऑफ टिकट्स वुमेन के लिए रिजर्व कर दिए जाने चाहिए, जिससे कि वुमेन को एक मोटिवेशन मिले और वो एम्पावर हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स सोसाइटी में वुमेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं आज हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना, उसके बाद हमने रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जाना, और उसके बाद हमने जाने पॉलिटिकल पार्टीज के चैलेंजेस के बारे में। आफ्टर दैट हमने जाना कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। लास्ट में हमने कुछ मेजर्स देखे पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स के बारे में, और इस वीडियो के एंड में हमने कुछ सजेशंस को जाना जो कि किसी भी पार्टी के रिफॉर्म के लिए जरूरी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए बाय बाय।